أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا. اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ، پاک ذات، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑی عظمت والا ہے. اللہ پاک ہے اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا. اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اور وہی زبردست حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی رات 23 شب کی رات، آپ کو تیسرا عشرہ اور یہ مبارک ساتھیں بہت بہت مبارک. ہمیں پتہ ہے آپ سب کے گھر میں بنتا خوشیاں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اللہ نہ کرے کسی گھر میں کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو. اگر ہے تو اللہ رب کریم اسے جلد سے ختم کر دے. ان ساتوں کو، ان خوشیوں کو اللہ پاک ہر مسلمان کے گھر میں بکھیرے رکھے. ہر آدمی خوش ہو، رزق کی فراوانی ہو، اور آئندہ جو زندگی ہے اور جو آنے والی خوشیاں ہیں اس میں آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرو. کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ آپ کو درس دیتا ہے کہ جب آپ خوش ہو تو اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے ماں باپ کا، سب کا برابری سے حق ادا کرو. اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو تھوڑا تھوڑا دوسروں کو بھی بانٹو. یہ نہ سوچو انتظار کرو کہ اس نے تمہیں نہ دیا، نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ سے ابتدا کریں اور انہیں دیں اور ان کے دلوں کو خوش کریں. فاتح بنیں. فاتح بننا بہت بہت بڑی بلیسنگ ہے. خوش رہیے، رحمتوں میں رہیے.
और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमारी टीम के लिए दुआ कीजिए, हमारे अरीब के लिए दुआ कीजिए, हमारे हुरैरा के लिए दुआ कीजिए, हमारे असद के लिए दुआ कीजिए, ये वो लोग हैं, हसन के लिए दुआ कीजिए जो इतनी दूर हैदराबाद से आए और यहाँ आके कराची में इतनी खूबसूरत महफिल सहरी सजाई और फिर हैदराबाद के इतने प्यारे प्यारे मेहमानों को हमें मुतारफ़ भी करवाया, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जिनसे मिलकर बेइंतहा खुशी हुई। तो अरीब आज हमारे मेहमान को आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत बेहतर है? बेहतर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे पास आप नाज़रीन ग्रामी आप देख रहे होते हैं बेस्ट होम्स के प्रोडक्ट्स के बारे में हम बता रहे होते हैं कि भाई उनकी जानिब से गिफ्ट होम गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं और उसके अलावा जो है वो स्टैंडी यहाँ होती है, फिर मुख्तलिफ अशरों में बेस्ट रूम्स के नुमाइंदगान आए हैं। आज भी ऐसे ही हमारे साथ फैसल हसन साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर है बेस्ट रूम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? आप सुनाएं आपा, पहले तो आपका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जीते रहिए, खुश रहिए। एक चीज मैं बड़ी खूबसूरत देख रही हूँ, बेस्ट होम के जितने नमूने आते हैं वो बड़े बेस्ट होते हैं, बड़े स्मार्ट और प्यारे प्यारे। आपकी हुस्ने नजर है जी, बिल्कुल नहीं माशाल्लाह, सारे हीरो आ रहे हैं। एक साहब आए थे जरा से थोड़े से होते, तो हमने उनसे पूछा था कि आपने अपने को ब्रश व्रश नहीं किया, क्या बात है? नहीं ऐसा भैया। फैसल भाई ये बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं बेस्ट रूम्स का जो इस वक्त मेन प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी समराइज अगर ब्रीफिंग दी जाए। गुज़श्ता प्रोग्राम्स में मेरे जी हाँ ठीक है उन्होंने आपको बताया होगा, जी हाँ मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ छोटा। बेसिकली प्रेजेंट 19 बैरियर टाउन कराची में मेरा प्रोजेक्ट है बेस्ट होम मॉल एंड रेजिडेंसिया ग्राउंड प्लस 28। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा जो है वो फोर फ्लोर तक जो है वो मॉल है और उसके बाद एमिनिटीज हैं और फिर आगे ऊपर अपार्टमेंट है। ये कितने? 28 मंजिला। ये 28 मंजिला, ऊपर फिर टॉप पे जो है पेंट हाउसेज है। अच्छा, इसमें हमारे पास 1 बेड 2 बेड 3 बेड DD एंड 4 बेड DD। अच्छा, इसमें देखें 1 बेड भी है, इकोनॉमिकल स्टूडियो अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट जो 1 बेड लाउंज है बाकायदा, उसमें 2 साइजेस हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। उसमें जो है ये है कि जो जिनके पास मतलब जो कम बजट के लोग हैं जो लेना चाहते हैं तो उनके हवाले से भी जो है वो हमारे पास ये चीज मौजूद है। कितने तक का है कम बजट? ये जो हमारा एक आपको तकरीबन आपको 42 के करीब पड़ेगा और एक 44 के करीब। ये ऊपर 28वीं मंजिल। ये जी हमारा देखें ग्राउंड प्लस 4 मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद चार एक फ्लोर हमारा एमिनिटीज का है, उसके बाद 4 फ्लोर हमारी पार्किंग है और उसके बाद से फिर 11वां फ्लोर जो है हमारा फर्स्ट फ्लोर है बेसिकली। अच्छा, वो ही। अच्छा, 11वां फ्लोर। अच्छा, 11 नंबर खतरनाक है। 11 नंबर खतरनाक। आपको पता है मेरी तारीख है, पैदाइश भी 11 है। तो फिर तो आप ज्यादा ही खतरनाक होंगे। मैंने इसलिए कहा, बहुत अर्थ से देखते हुए आपको, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम किया आपने। वाह, सही है। अच्छा ये बताइएगा बेस्ट रूम्स को लेकर आपका क्या विजन है, क्या करना चाहते हैं? पर्सनल विजन चाहिए। पर्सनल विजन क्या है? सर देखिए, पर्सनल विजन मेरा इसका यह है कि हम माशाल्लाह यहाँ पे डिलीवर करने वालों में से फास्ट हमारे प्रोजेक्ट कराची में हमने डिलीवर किए, इसके बाद हम बैरियर टाउन में आए क्योंकि कराची में अब लैंड तो मौजूद नहीं है। आप देखिए 33 के अंदर जो है उसको पता चल रहा है वो जबरदस्ती है नस्ला के हवाले से। आपका कोई खतरा तो नहीं है ना? पक्की? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों को जरा दिल की धड़कन। सही बात है मैम, ये हमें मालूम है कि एक बंदा अपना घर लेने के लिए कितनी मुशक्कत करता है और पूरी जिंदगी की उसकी कमाई होती है और वो ऐसे उठा के किसी को नहीं देता। लेकिन देखें आज हमारे पास प्रीवियस टाइम में भी आप देखें कि हमारे जितने पास के जितने भी हमारे कस्टमर थे आज तक हमसे अटैच्ड हैं, और इसके अलावा हमारे ओवरसीज क्लाइंट ज़्यादातर जो है हमारे पास ओवरसीज हमारे क्लाइंट हैं जो हमसे अटैच हैं, जिन्होंने देखी भी नहीं होती चीज़ और वो हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ से हमें पैसे ट्रांसफर करते हैं और हम उनकी बुकिंग और उनकी फाइल मुकम्मल हो जाएगा। मैम ये हमारा जो है वो 5.5 साल का प्रोजेक्ट है बेसिकली, ये इंशाल्लाह 5.5 साल में हम इसको डिलीवर कर देंगे। अच्छा, इसमें कोई पानी का मसला तो नहीं है या कोई ऐसा मसला तो नहीं है अलग से कोई पैसों के बिल? नहीं नहीं, देखें हमारे पास कोई भी, देखें हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी और अगर लोगों को हम अच्छे लगते हैं वो इसी हवाले से लगते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है वो क्रिस्टल क्लियर है। जो रेट हम आपसे फिक्स किए हैं उसी रेट में, क्योंकि आपको पता है कि हर थोड़े टाइम में सरिया है सीमेंट है रेट कहाँ से कहाँ जा, ऐसा ही है ठीक है ना। आज आप जो हमसे बुक करते हैं हम वो आपको, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है,
आपने जो है वो जो हमारा आपके साथ फिक्स अमाउंट है वही आपने। अच्छा फैसल भाई, अगर इस चीज को ऐसा समझा जाए कि अगर एक चीज हमने 10 रुपए की खरीदी आपसे, ठीक है, तो वो हमें 10 रुपए ही पे करने, खास उसकी कीमत 100 रुपए हुई। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बेसिकली देखें, हमारे पास स्टार्टिंग यही है, 20% डाउन पेमेंट से हमें स्टार्ट किया हमने, और आपने देखा होगा कराची में भी कि 1 लाख रुपए देके बुकिंग करा लें। देखें 20% में आप मुझे देंगे तो मैं बना के आपको दूंगा, और वैसे ही मैंने किया है प्रीवियस भी, तो अभी भी ऐसा ही है कि आप जो हमें जो हम आपसे अमाउंट फिक्स करते हैं 20%, आपने वो 20% उसकी डाउन पेमेंट की है, उसके बाद जो आप इंस्टॉलमेंट 5 साल 5.5 साल की जो भी आप बनवाते हैं वही हम फिक्स अमाउंट। आप अपनी प्लानिंग में कहाँ तक कामयाब हैं आपका जो मंसूबा? मैम हमारे जो समझा नहीं बात आपकी, आपका मंसूबे जो जितने भी चीजें मिशन है जो जितने भी मिशन हुए पहले जो हुए हैं या अभी ये बेस्ट रूम्स के हवाले से कितना तक कामयाब? प्रीवियस हमारे प्रोजेक्ट हैं वो टाइमली हमने डिलीवर किए, ठीक है। इसके अलावा एक मौजूदा की बात कर रहे हैं, मौजूदा में देखें अभी हमारा एक हिल हेवन है ग्राउंड प्लस 10 प्रेसेंट 6 में, वो हमारा माशाल्लाह डिगिंग स्टार्ट है, 3 साल में हम डिलीवर कर देंगे ये वाला जो आपका सामने, ये 5.5 साल ये 5.5 साल ये प्रेसेंट 19 के अंदर है। अच्छा प्रेसेंट 19 ये वो वहाँ पे है डेंजो कमर्शियल के पास, डेंजो कमर्शियल जो आपने नाइट सफारी अगर आपने, ये तो आगे नहीं है। एक हमारे से आपके एक दोस्त आए थे वो बता रहे थे वो बिल्कुल इम्तियाज के साथ जो है जी जी देखें ये बेसिकली आप जो है गेट से अगर इंटर होते हैं बैरिया टाउन से 1.5 मिनट की ड्राइव है, ठीक है 1.5 मिनट की ड्राइव है, और आप जो है जितने भी ये बैरिया हाइट्स की जितने भी टावर्स खड़े हुए 24 टावर्स है बिल्कुल उसके पास ये इम्तियाज स्टोर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। अच्छा मैं वो यही बताऊँ आपको प्रोजेक्ट के हवाले से कि मैं और आप जब एक कोई चीज़ बनाने जा रहे होते हैं या लेने जा रहे होते हैं बेसिकली, तो उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि यार वो आबादी हो वहाँ पे, ठीक है, और मेरे बच्चे हैं अगर तो वो बच्चों की खेलने की जगह हो, मस्जिद करीब हो, हाँ, ग्रोसरी के हवाले से स्टोर करीब हो, पेट्रोल पंप सबसे जरूरी करीब हो। अच्छा ये तमाम चीजें जो है हमारे प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस के, तो इस चीज को देखते हुए हमारा जो लोकेशन है उसी की वजह से आज जो है हम माशाल्लाह आप देखेंगे मेरा अगर आप कमर्शियल के ऊपर जाते हैं तो तकरीबन मैं 70-80% सोल्ड आउट कर चुका हूँ। ये पूछ रहे थे आप, सोल्ड आउट कर चुका हूँ। इसके अलावा जो अगर आप मेरा रेजिडेंशियल के ऊपर जाते हैं तो वो भी तकरीबन आप अगर मैं आपको बताऊँ तकरीबन हम 40% जो है हम वो माशाल्लाह से हम जो है अल्लाह का बड़ा एहसान है हम जो है वो ये आपकी बेस्ट रिपोर्टिंग है ना, इतना जल्दी आप इतना कवर कर रहे हैं। ये एतमाद है हमारे पे अवाम का, हमारे क्लाइंट्स का, और हम क्योंकि टाइमली डिलीवर करने वाले लोगों में से तो अल्लाह का करम है टाइम पे डिलीवर करता है। बिल्कुल वाह जबरदस्त। अच्छा फैसल भाई ये बताइएगा कि बेस्ट रूम्स इसके अलावा जो है जो मुख्तलिफ चीज़ें अनाउंसमेंट्स कर रहा है, जो मुख्तलिफ मामलात में देख रहा है चीज़ें, जैसे इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है और उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप लोगों के पता चल रहे होते हैं, हमें चीज़ें पता चल रही होती हैं, तो क्या सोचते हैं कि सिर्फ बेस्ट रूम्स एक किसी बिल्डिंग का नाम रख के खुद को कामयाब समझेंगे या ये चाहते हैं कि इसके जरिए लोगों को बहुत अच्छे घर मिले? हम अगर आपने हमारी प्रीवियस देखा हो तो हमने जो है वो काफ़ी इस तरह के हमारे जो CEO साहब हैं उबैदुल्ला सज्जाद सर तालीम ही हमें ऐसी दी है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का कहना चाहिए कि लास्ट हमारे साथ DADC हमारे साथ था उसको भी हमने जो है काफ़ी सपोर्ट किया। इसके अलावा अगर आप हमारे रेट्स के हवाले से भी देखें ना तो हम वैसे भी रेट्स में भी हमने अपना एक कमी रखी है कि ताकि एक नॉर्मल आदमी भी जो है वो अगर बुक कराना चाहे तो यही ज़्यादा प्यारी बात होती है कि जो लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं और बड़ी मुश्किल से बड़े लोग तो अपने घर बगैर इसी स्कीम के भी बना लेते हैं लेकिन मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ क्यों ना बिल्डर्स जो हैं आप लोग घर भी बनाते हो बिल्डिंग भी बनाते हो दैट्स वेरी गुड, लेकिन आप लोग क्या कभी ऐसा कर सकते हो कि नौजवानों के लिए कोई ऐसा ग्राउंड भी बनाओ फिर वो बेस्ट होम को रिप्रेजेंट करे, कोई खेल की जगह, कोई ऐसी जगह जो हमारे नौजवान तरसते हैं मट्टियों में भागते हैं, ऐसी जगह हो सकती है? हम बिल्कुल कोशिश करते हैं और आगे हमारा ऐसा प्लान भी है और कराची के अंदर भी हम कराची के बच्चों को बहुत कराची के हवाले से भी हमारा 2 प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह अनकरीब वो अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बनाइए प्लीज बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि पंजाब के बच्चों को माशाल्लाह इतनी फैसिलिटी है, उनके पास ग्राउंड है, पार्क है बड़े बड़े, हमारे तो पार्कों में भी पानदान लगे हुए हैं सही बात है, पार्क ही खत्म हो गए, पता चला बिल्डिंगे बन गई, इसलिए मेरा बिल्डर से ये बड़ा एहतजाज है।
लोगों का कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि जो है ना वो बिल्डर्स के हवाले से वो ये रहा है. अब उसमें देखें हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं और उनकी वजह से हम लोग जो है वो कठेरे में खड़े हो जाते हैं और इस तरह के सवालात हमें फेस करने पड़ते हैं, है ना. अच्छा फैसल भाई, अगर किसी को रब्ता करना है गेस्ट रूम से कि तो कौन से ऑफिस में जाए, किस नंबर पर रब्ता करें, क्या करें? बेस्ट होम्स का एक ही ऑफिस है, हेड ऑफिस है जो बहरिया टाउन कराची में है. अच्छा, वहाँ जाने के लिए प्रॉब्लम है आपके शहर में? हमारे नंबर्स है, हमारे पास सेल्स स्टाफ है जो आप अगर नहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई बस खड़ी कर देखें उसके लिए तो आना तो पड़ेगा ना. देखें यही असल में, देखें यही आपकी मैं बात को लेके चलता हूँ कि आप ये देखें ना, लोगों ने यही किया है कि सिर्फ आवाजों पे नामों पे चीजें ले ली यार. एक मैं नहीं, वैसे कराची और बहरिया करीबी है. जो एक मरूप करने के लिए होता है ना कि दावत है. अच्छा देखें, मैं आपको ये जैसे अभी क्या दूर है, करीबी है बिल्कुल. आप आपकी 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 नॉलेज में हो है या नहीं है मैं बताऊं, मलीर एक्सप्रेसवे माशाल्लाह अब बन, पीछे बन से भी मलीर हाल्ट से सीधा रास्ता. मलीर एक्सप्रेसवे बेसिकली डीएचए पे आएगा और मेरे ख्याल में और वहां से ऐसे ट्रेन और रास्ता होगा आपका. बहुत करीब है अब तो, मलीर से नजर आ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल मैम, काम चल रहा है वहाँ पे माशाल्लाह. तो 3 साल में इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट है, तो इतना ज्यादा जो है ना दूर नहीं लगेगा आपको. अच्छा एक पर्सनल सवाल है फैसल भाई, अगर आपको बीएच की क्वालिटी भी इतना एतमाद है कि अगर आप अपना घर बनाए तो बीएच के उससे बनाए? सर बिल्कुल मुझे एतमाद है और अभी इधर ही बनाएंगे. बेगम खान दूर जाने, मैं आपको बताऊँ, मेरे सीईओ मैं जब उनसे मिला था और उसके बाद जो है मैं अटैच हुआ, मेरी अपनी फैमिली के कितने लोगों को मैंने उसमें दिया है और मेरा खुद का भी अपना इधर ही इरादा है. तो देखें बंदे की बात होती है, वही आपने जैसे कहा कि एतबार उतरा हटा हुआ है असल तो, लेकिन मेरा एतबार अल्हम्दुलिल्लाह बहाल है, बहाल है और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पेट्रोल भी बचेगा, बेगम की डांट से भी बचेंगे, बच्चों को लेके वही पार्क में खेल भी लेंगे, फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है ना. तो आप सारे तो मुझे लग रहा है बेस्ट होम वाले सारे वहीं रहेंगे. नहीं, वैसे भी अब मैं आपको बताऊं कराची में तो जगह है भी नहीं ना. आप ये देखें अगर तो आवाम वहीं जा रही है, स्पेस तो वहीं है. और अब आप अगर दुबई भी जाती रहती है, मैं भी जाता रहता हूँ, तो आप देखें वहाँ एक फीलिंग डिफरेंट है. सही, आप जैसे ही बैरिया में होते हैं फीलिंग अलग है वहाँ पे. तो मैं तो बल्कि दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, मैं कहता हूँ यार वहाँ तो परिंदे भी चेंज है बिल्कुल ही यार. तो बहुत अच्छा लगता है और हर बंदा जो है, एक तो यही कि लैंड क्लियर है, जो मसले मसाइल होने थे वो अब हो चुके हैं. अब जो भी लैंड है वो क्लियर है. आप अगर जब भी बहरिया जाएं तो राइट लेफ्ट आप देखेंगे. तो आप ऑफिस में होते हैं, तरावियां कहां पढ़ रहे हैं? तरावियां माशाल्लाह हमारे ऑफिस में इंतजाम है बिल्कुल. और अभी भी आप बेस्ट होम से आए हैं मेरे ख्याल से, तो रात को ज्यादा रौनक हो रही होगी. रात में लोग शहरी में ज्यादा निकल रहे हैं ना, पराठे वराठे भी हैं वहाँ पे. बिल्कुल मैम आए, बिल्कुल मुझे लग रहा है शहरी भी इफ्तार का भी हो रही है ऐसा ही है. लेकिन आप वक्त हुआ चाहते हैं छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से पहले मोहसिन साबरी साहब मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हमदे बारी ताला मोहसिन साहब पेश करेंगे और हम इसी से ब्रेक पे जा रहे हैं. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. इसके बाद डिबेट सेगमेंट है और उसमें बहुत अच्छा जो है वो गुफ्तगू शनीद होने वाली है. कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बरकत रमजान. जी बिस्मिल्लाह. निजाम हस्ती चला रहा है वो ही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर को न
जो दी को रात और रात को दिन बना रहा है वो ही खुदा नजर रखे समाते भी वो जान लेता है नियत वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमजान की खूबसूरत लाइव रशियात बराम बरकत रमजान। और इस वक्त हमारे साथ बेस्ट रूम्स के फैसल भाई मौजूद हैं और दो नाथख्वां मौजूद हैं। मैं चाहूंगा पहले इन दोनों से कलाम ले लीजिए। मोहसिन भाई और साकिब भाई आप बिस्मिल्लाह करें। नन्नी शहजादी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों परेशान है, क्या हुआ, परेशान है आप, कोई बात है भाई? मोहसिन भाई, साकिब भाई, बिस्मिल्लाह। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौला सल्ली व सल्लिम ईमन محمد سيد
लगी तुम्हारी ये जो तुम्हारा फैसला था कि 23वीं शब की वजह से कि इनके होते हुए ये फायदा उठाया जाए कि नाते जरा बढ़ा दी जाए और मुकाबला जो है हमारा है उसको आगे कर दे तकरीरी मुकाबले को इंतजार कर लेंगे। बड़ा मजा आ गया वाकई। क्या कहते हैं फैसल भाई, मजा आया ना? बहुत तेज। क्योंकि तकरीरी मुकाबला तो है, वो तो एंड तक चलेंगे, लेकिन ये जो 23वीं शब जो हमारी ताक रात है उसका लुत्फ दुबाला होता जा रहा है माशाल्लाह। इस तरह की चीजें और फिर इनके मौला ने सीने में इतनी ताकत दी है कि ये ऐसा बोल रहे हैं जैसे सेम वही लोग हैं। बहुत बहुत कमाल तरीके से ना वो कारी वही जफर गाजमी साहब की याद ताजा करती है। वो इतना खूबसूरत उन्होंने हम पेश करी, इतना एक माहौल बन गया ना। और हम नाजिर में हम जो है ब्रेक पर गए तो हम इन दोनों नातखानों से सुन रहे थे, हमने कहा यार आप सुनाए, हम बैठ कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तो ये आपका बचपन कैसा गुजरता था रमजान में? रमजान में माशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा ही जैसे कहना चाहिए रोजे वाले बच्चे थे, रोजे वाला बच्चा माशाल्लाह। क्या बात है, हर बच्चा हमारे बचपन से हम जब सुनते हैं हर बच्चे का शौक लगता है बचपन से माशाल्लाह। आजकल के बच्चे नेट के ज्यादा शौकीन है, है ना? तरबियत की बात है बस, नहीं आज बेचारे मजबूर भी हो गए, तरबियत माहौल माँ बाप के अलावा भी कुछ माहौल है। असल में आप बाहर भी नहीं जा सकते ना, वो उस तरीके से जिस तरीके से पहले या मैच खेल रहे होते हैं कुछ बच्चे। एक चीज बहुत अच्छी नौजवानों में आई है, ये जो मुख्तलिफ चौराहों पे खाने का इंतजाम करना है, इसमें हमारे सब नौजवान हैं, उनको होश नहीं होता अपना। और ऐसे ऐसे नौजवान मैं हैरान होती हूँ, अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर इंजीनियर वो लगे हुए खाना खिलाते हैं लोगों को और इंतहा पसंद है बिल्कुल अपने घरों में। और मैंने आखिर में देखती हूँ खाना भी खत्म हो जाता है उन्हें मिलता नहीं। मुख्तलिफ लोगों ने भी लगाया तो वहाँ जो है ना ऐसा होता है की जो वॉलंटियर्स होते हैं खासतौर पर ऐसा हो जाता है कभी नहीं बच रहा, वो बेचारे बगैर चोरी का रोजा रखते हैं और फिर उसके बाद इफ्तार में रोजा भी ऐसे ही होता है, मुंह में रखा खजूर और पानी दे रहे भाई पहले आप पिए भाई, उधर से बंदे बदमाशी कर रहे होते हैं, भैया मुझे नहीं दिया तुमने, अरे भाई तो उसका भी तो रोजा है दो मिनट रह जो। फैसल भाई मैं आपसे पूछ रही थी, मैं जी मेरे हवाले से अगर आप पूछ रही थी तो मैं तो बचपन से ही जी माशाल्लाह जब से मैंने होश संभाला रोजा। पहला रोजा याद है अपना? पहला रोजा अभी इतना तो नहीं बुजुर्ग हुए जो इतना नहीं, मुझे मैं थोड़ा सा जो है वो भूलने की आदत है। अच्छा। मुझे जो है वो याद नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन हाँ ये याद जरूर है मुझे कि मैंने हमेशा जब से मैंने होश संभाला मैंने रोजा कभी नहीं। मगर पहला रोजा कैसे रखा था, कोई मतलब है बदमाशी की थी बीच में या कहीं पानी वानी का सिप नहीं? नहीं, मैं बहुत ज्यादा इसका वो था क्योंकि घर पे माहौल ऐसा था। और कई लड़कों से सुनते हैं वो कहते हैं वो बीच में करते थे, सिप ले लेते थे स्कूल में, ले लिया था तोड़ देते थे घर पे बताते नहीं बताते थे। लेकिन ये कि मैं अपने अगर हवाले से कहूँ तो मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है। मैंने एक बहुत बड़ी शख्सियत की वालदा से पूछा था कि आपके बेटे ने जो सदर पाकिस्तान है क्या उन्होंने कभी किया, तो उनकी वालदा ने कहा था वो एक दफा स्कूल में पानी पी गए। ऐसा होता है, बड़ी मजे की बात थी वो, तो होता है ऐसा। मैं खुद पहले रोजे की मैंने अरीब को सुनाई थी कि मैंने गाजर का हलवा खा लिया मुझे पता ही नहीं, लेकिन उस दिन हमारे कोई मुफ्ती आए थे वो कह लेंगे आपका रोजा है आपको आपको पता नहीं था ना, बोले आपने बेध्यानी में खा लिया था, मासूमियत में खाया मेरी खाला के बेटे ने रात। पहले ऐसा होता था ना कि वो वालिदैन कह देते थे भाई एक दाड़ का रोजा है एक तरफ से खा रहे हैं। अच्छा। तो मेरी बहन थी वो एक तरफ से खाती थी, भाई था वो भी एक तरफ से खाता था और इस तरह जरूर होता था। आज याद आता है आपको सारा बचपन? सारा बचपन कौन भूल सकता है, कौन भूल सकता है बचपन से याद आया आपा। मैं माजद यहाँ कथा कलामी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं और तकरीरी मुकाबले का सेगमेंट अब से कुछ देर बाद होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बरकत रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार आपको फिर से खुश आमदेद पेश करते हैं माह रमजान की खूबसूरत लाइव नशियात बनाम बरकत रमजान। और इस वक्त हमारा वो सेगमेंट है डिबेट सेगमेंट है। आबिद अली उमंग साहब हमारे साथ हर दिन मौजूद होते हैं लेकिन आज
क्योंकि मैंने आपको बारहा बताया है कि वो कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, लेकिन आज हुआ ये कि एक वाकई अशद जो है वो इमरजेंसी आ चुकी है, और एक हम दुआ करते हैं आबिद भाई की वाइफ के लिए कि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहतियाबी दे। तो वो आ चुके थे लेकिन उसके बाद जो है वो उन्हें अचानक जाना पड़ा, तो ये बड़ा एक हम समझते हैं कि हमें इस वक्त उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आबिद भाई, हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और हम लोग समझते हैं हम तंदुरुस्त हैं, ठीक है, कहीं अचानक आता है रुक जाते हैं, और ये सब चलता रहता है, लाइव प्रोग्राम है ना। हाँ, लेकिन कोई रुक जाता है, मैं बार बार आपको भी बता रहा होता हूँ कि कितनी कमिटमेंट, फैसल भाई इतनी कमिटमेंट के पक्के हैं आबिद भाई कि हम जो है ना जिस दिन उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आया तो वो तमाम चीजें मैनेज करके वो शख्स घर नहीं गए, वो यहाँ पर आए, यहाँ के ऑडिशन कंडक्ट किए ऑफिस में, हम सब, और फिर यहाँ से ये सेगमेंट करके फिर वो जाते हैं उनको सहरी करवाने हॉस्पिटल। आज फैसले का ये होगा कि ये जो वीडियो क्लिप है, ये जो चंक है, ये आबिद भाई को भेज दिया जाएगा, आबिद भाई फैसला वहीं से करेंगे और फिर वो हम बता देंगे बाद में कि भाई ये बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं ये नहीं जा रहे। आज रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे हम, ठीक है, ठीक है ना, लेकिन तोहफे दे देना। हाँ, बस ये जो हाँ ये तो देने, ये तोहफे तो देने, हाँ तोहफे तो दिए जाएंगे, लेकिन जो है वो वहां से उनके मामू इशारा कर रहे हैं। हाँ भाई, आज का मौजू नाज़रीन ग्रामी बहुत अच्छा है और बहुत मजे वाला मौजू है, एक मजाहिया मौजू है। आज मुबाहसा है और एक फेवर में बोलेगा, एक अगेंस्ट में, यानी एक मवाफकत में और एक मुखालफत में। मौजू है शरीफाना जिंदगी गुजारने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है। अब भाई ये जरूरी है, हम्माद राजपूत साहब ये कहते हैं, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैदराबाद से ताल्लुक है, ये कहते हैं कि शरीफाना जिंदगी गुजारने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है। हम्माद तैयार है, हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। वकार पेश करदा करारदाद में मौजूद अहम लफ्ज शरीफाना जिंदगी से मुराद शराफत और हुस्ने सलूक के साथ जिंदगी बसर करना है, और शादीशुदा होना जरूरी है से मुराद अज़दवाजी जिंदगी अहमियत की हामिल है। अली वकार, हमारे मोहतरम मुंसिफ आबिद अली उमंग साहब की शराफत देखकर मैं शादी की अहमियत बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं बचते, इसलिए मैं आज की करारदाद की भरपूर हिमायत करूंगा कि शरीफाना जिंदगी गुजारने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है। अली वकार, जरा खंगाली माजी का शजरा और देखिए हाल की तरफ कि वो कवारे जो कल एक दिन में तीन जोड़े पहना करते थे आज तीन दिन में सिर्फ एक जोड़े पहनते हैं। कल माँ की बनाई गई मुर्गी में भी नुक्स निकालते थे और आज बीवी की बनाई गई दाल पे भी माशाल्लाह सुभानअल्लाह पुकारते हैं। कि सदरे अली वकार, कल जो स्कूल कॉलेजेस को बंक मारा करते थे आज एक बजे दूसरी क्लास में पढ़ते टीपू को घर छोड़कर दो बजे पांचवी जमात में पढ़ने वाले पप्पू को लिए स्कूल जाते हैं। आज जो कल तक खानदान के साथ जिनके मिजाज नहीं मिलते थे आज बीवी के चक्कर में घर घर के खाक छानते हैं, और तो और जो कभी ईद सोकर गुजार करते थे आज ससुराल के सोफे पर बैठकर गुजारते हैं। इसलिए ये कहना लाजिम है और ये बात साबित होती है कि शरीफाना जिंदगी के लिए शादीशुदा होना जरूरी है। अली वकार, शादी का लड्डू एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो पछताए, जो ना खाए तो पछताए, तो मेरे ख्याल में खाकर पछताना बेहतर है। अली वकार, हम देखते हैं कि हम जब हम सो जाते हैं या फिर हमारे वालदैन हम लोग अयाश हो जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे की शादी करवा दो। अली वकार, कुछ इसी तरह का मामला मेरे साथ कुछ दिन कबल हुआ और मुझे शौक हुआ शादी का, इस पर मेरे वालिद और मैंने घर में शरारतें शुरू कर दी, बदमाशियां शुरू कर दी। इस पर मेरे वालिद कहने लगे कि बड़खुरदार की शादी करा दो क्योंकि शरीफाना जिंदगी गुजारने के लिए शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। इसी तरह अली वकार, अगर हम इस करारदाद को मुआशरती एतबार से देखें तो मर्द और औरत गाड़ी के दो पहियों की मानिंद होते हैं, और जिंदगी की गाड़ी को मायना रीवी के साथ चलाने के लिए जरूरी है कि हम शादी के रिश्ते को अपनाएं और उसी के ताकि हम लोग बुराइयों से महफूज रह सकें और हमारे मुआशरे के अंदर एक मजबूत अंदाज पैदा हो। लेकिन अली वकार, मेरी मुखालिफ सिंह से आने वाले साथी अपनी बेकार बातों से और फजूल दलाइल से ये साबित करना चाहेंगे कि शादी और निकाह से हम लोग उसके बगैर भी हम लोग अपनी जिंदगी ऐसा अंदाज में गुजार सकते हैं, तो अली वकार ये मुमकिन नहीं। इसलिए मैं कहूंगा बल्कि इनकी बातों में ना आया जाए, बल्कि इनसे हल्फ उठवाया जाए कि फिर ये कभी शादी का लड्डू नहीं खाएंगे। आखिर मैं अपनी करारदाद का इख्तिताम बस इस तरह से करूंगा कि बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो बेटा जिसे मां 25 साल तक शरीफ नहीं बना सकती, आने वाली उसे शरीफ बना देती है। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। वही वाह, वही वाह। एसएम कॉलेज कराची से ताल्लुक है मोहम्मद हुज़ैफा साहब, ये कहते हैं कि शरीफाना जिंदगी गुजारने के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। हुज़ैफा साहब तैयार हैं, हमारी समातें आपके लफ्जों के मुंतजर। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे मर्द से पड़ता है फिर उस रंग में भंग। अदरे अली वकार,
پیش کردہ قرارداد میں چار الفاظ قابل غور ہیں، شریفانہ شرافت سے ماخوذ ہے، یعنی قابل احترام ہونا، قابل اعتبار ہونا، جبکہ زندگی یعنی حیات، اور شادی شدہ وہ جو بالکل سپلٹ ایسی کی طرح ہوتا ہے، گھر کے باہر گرم، گھر کے اندر انتہائی ٹھنڈا، دیوار سے لگا ہوا، ریموٹ سے چلنے والا، جبکہ شرعی وقار ضروری سے مراد کسی لازمی امر کو بتانے کے لیے آتا ہے، جبکہ لفظ ہے عصر حاضر پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا کہ آج کے زمانے میں احترام والی زندگی گزارنے کے لیے جورو کا غلام، میرا مطلب شادی شدہ ہونا ضروری ہے۔ رائے والا، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ صدر عالی وقار، شادی شدہ کی زندگی شرافت کی نہیں بلکہ شر اور آفت کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس شوہر کو سسرال کی صورت میں شر اور بیوی کی صورت میں آفت مل جاتی ہے۔ صدر عالی وقار، اگر قرارداد کو سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے والے سیاستدان ہمیشہ شادی شدہ ہی رہے ہیں۔ رائے والا، کیونکہ شادی شدہ کی زندگی شرافت کی نہیں بلکہ فساد کی زندگی ہوتی ہے۔ جی رائے والا، آپ ٹھیک سمجھے، میں اس ہینڈسم کی بات کر رہا ہوں جس نے تین شادیاں کر کے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اور صدر عالی وقار، تین شادیاں اور فساد کا ایک ساتھ سن کر ایک جس شخص کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ رائے والا، اگر قرارداد کو تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاروے وائنسٹائن کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 70% مرد جو ایسے ہیں جو ہراسمنٹ کے کیس میں ملوث ہیں، جن میں سے 55% شادی شدہ ہوتے ہیں، لہٰذا قرارداد مسترد ہوتی ہے۔ جناب والا، اگر قرارداد کو ماضی اور مستقبل کے آئینے میں پرکھ کر دیکھا جائے تو شادی سے پہلے سنیے گفٹ لیتے ہوئے آئیے گا، اور شادی کے بعد سنیے پیمپر لیتے ہوئے آئیے گا۔ رائے والا، اسی طرح شادی سے پہلے مظلوم مرد جو ہے، شادی سے پہلے مرد 80 کلو کا ہوتا ہے جبکہ شادی کے بعد 800 کلو کا ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے اکشے کمار نظر آتا ہے جبکہ شادی کے بعد بیمار نظر آتا ہے۔ شادی سے پہلے کروڑ پتی ہوتا ہے اور جبکہ شادی کے بعد روڑ پتی بن جاتا ہے۔ اور شادی سے پہلے لوگ کہتے ہیں یہ مرد ہے، شادی کے بعد یہ مرد ہے، لہٰذا قرارداد مسترد ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ شادی میاں اور بیوی کی لڑائی میں جب ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے تو ان میں ایک ہمیشہ ٹھیک، ایک ہمیشہ غلط ہوتا ہے اور ایک ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے۔ رائے والا، ردی درائل کی طرف چلتے ہیں تو میری موافقت میں آنے والے مقرر جو خود تو غیر شادی شدہ ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شریفانہ زندگی گزارنے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ شریف نہیں ہے، اور جو شریف نہ ہو اس کی بات کا کیا اعتبار، لہٰذا ان کے تمام دلائل مسترد ہوتے ہیں اور ان کی قرارداد بھی مسترد ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آخری شریک مقابلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جامعہ ابن عمیر، کراچی سے تعلق ایسے ہی ہے، جامعہ ابن عمیر، اور محمد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شرافت کی زندگی گزارنے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری ہے، آپ کی اپنی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں، ہاں تیار ہیں آپ، ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر۔ صدر عالی وقار، آج کے اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد میں تین الفاظ قابل غور ہیں، شریفانہ، شادی اور ضروری۔ شریفانہ سے مراد جوش و تلاطم اور الڑپن کی زندگی کا تھم کر سنجیدگی اور سگڑپن کی طرف گامزن ہو جانا ہے۔ عالی وقار، قرارداد میں موجود دوسرا اہم لفظ شادی، شادی سے مراد تو خوشی کے ہیں لیکن اس سے مراد وہ کھوٹا ہے جس سے سرکش گھوڑے اور کنواروں کو باندھ کر قابو کیا جاتا ہے۔ عالی وقار، ضروری کا مطلب ہے بے قابو، بے فکر اور رندانہ روش کنواروں کے لیے حد لازم۔ جناب والا، تمام جہاد سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ کنواروں کی موج مستی اور بے راہ روی کو روکنے اور انہیں شریفانہ زندگی دینے کے لیے شادی کرانا ضروری ہے۔ عالی وقار، چونکہ قرارداد حقیقت کے بالکل قریب ہے، میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ جناب والا، باتیں ہیں دلائل کی طرف۔ اگر قرارداد کا منطقی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو شین سے شادی اور شین سے شریف بھی آتا ہے، دونوں کے حرف بھی چار ہیں اور اسلام میں شادی کی حد بھی چار ہے۔ جناب والا، منطق یعنی زبان پر صدر علی وقار، اگر قرارداد کا معاشرتی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو بڑوں کی نظر میں کنوارا ہمیشہ سے شک اور بدنامی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کا نام لے لے یا کسی کی طبیعت پوچھ لے تو اس کی شرافت پر انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں۔ جناب والا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیل کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے تو راہ راست پر سیدھا چلتا رہتا ہے۔ یہ جب یہ قرارداد معاشرتی اور منطقی اعتبار سے ثابت ہو چکی ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس قرارداد کی مخالفت کرے۔ اگر مخالف مقررین کامیاب اور شریف کنواروں کی مثال دیتے ہیں تو میں شرافت کے پیکر معصوم شوہراؤں کی مثال دیتا ہوں کہ بڑے سے بڑا اداکار
सियासतदान अपनी शादी के बाद अपनी बीवी के पीछे अपने बच्चे को गोद में लिए चलता रहता है। सदरे आली वकार, शादी वो मुकद्दस बंधन है जिस बंधन के तकद्दस और बंध जाने वाली शरीके हयात के एजाज और एहतराम में इंसान के अंदर अगर कोई बेरहरवी की रग हो भी तो वो उसे दबाकर शरीफ बन ही जाता है। आली वकार, शादी इंसान को हैवान से इंसान बना देती है। शादी इंसान के साथ बीवी की इज्जत भी वाबस्ता कर देती है। शादी इंसान को संजीदा बना देती है, इसलिए इंसान शरीफ हो ही जाता है। चुनाचा तय ये पाया कि शरीफाना जिंदगी के लिए शादी शुदा होना जरूरी है। आपकी समातों का शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त, तीनों पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ जाए, इधर आइए। तीनों पार्टिसिपेंट यहाँ तो बाद में मिलेगा, अभी तो तोहफे मिलेंगे बेस्ट होम के। देखें अभी फैसला नहीं हुआ और बेस्ट होम कितना बेस्ट है। कि आपको बेस्ट चीजें नहीं, तीनों ने बहुत अच्छा बोला। और फैसल भाई की जानिब से, फैसल भाई आप यहाँ पर अगर तशरीफ ले आए और इन तीनों बच्चों को जो है वो अपने हाथों से, फैसल भाई इस तरफ आ जाए, यहाँ आ जाए और आप यहाँ करीब आ जाए, करीब आ जाए, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। आप लोग किधर आ जाए, आगे आगे। फैसल भाई यहाँ यहाँ तशरीफ ले आए। फैसल भाई अपने जी, एक आप ले, एक एक करके आ जाए, कोई मसला नहीं है यार, क्यों परेशान हो रहे हैं आप, कोई इश्यू ही नहीं है। बस आप लोग अपनी तकरीर में ना जरा आराम आराम से ये लीजिएगा, ये एक तोहफा आपके लिए है। कम तकरीर लिखे और बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, आपने फास्ट जरा बोला। और ये हमाद के लिए, हमाद ये तोहफा रिसीव करें। और रट्टा लगाते हैं ना तो ऐसे लगाएं पता ना चले। फैसल भाई आइएगा। और नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बरकत रमजान।